कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। धर्मग्रंथ महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार यह युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच में लड़ा गया था, अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे वे धर्म के पक्ष में थे और जिन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा वो अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्यों स्थान मिला? इस सवाल का जवाब भी महाभारत में वर्णित है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों अधर्मी दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को मिला नर्क। यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निर्णय किया और अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को देकर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत चार पांडवों की मृत्यु हो जाती है और केवल युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहते हैं और वह स्वर्ग जाते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर का शरीर सड़ गया था और जो कुत्ता उनके साथ चल रहा था वह असल में यमराज था। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य आसन पर बैठा है और वहां पर अन्य कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। उसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार, चारों ओर से बदबू आ रही थी। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वापस जाने का फैसला किया। जब युधिष्ठिर नरक से वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी और युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ और मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूँगा। देवदूत ने यह बात जाकर देव इंद्र को बताई। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था और तभी वहाँ सभी देवता आ गए। देवताओं के आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उसके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले से पहुंच गए हैं। स्वर्ग पहुंचकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन वह अधर्म का पक्ष लेता रहा है। वह अपने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं कर पाया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिले, तो क्या ईश्वर से न्याय में भी गलती हुई है? तब युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन के सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई हों, दुर्योधन अपने उद्देश्य के ऊपर कायम रहा और यही उसकी यह अच्छाई साबित होती है और इसी कारण दुर्योधन को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।